क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए, आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुल्क छोड़ने के बाद अशरफ गनी का आया अहम बयान। जंग खत्म हो चुकी, तालिबान किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। तालिबान के तर्जुमान बोले, उम्मीद है हिंदुस्तान अपना रुख बदलेगा, ये दोनों ममालिक के लिए अच्छा होगा। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कड़पा पुलिस परेड ग्राउंड में रंगारंग तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वजीर तालीम व इंचार्ज वजीर कड़पा डॉक्टर ए सुरेश ने तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। तालीम के हुसूल में गरीबी रुकावट नहीं बनना चाहिए, रियासत भर में आज से स्कूल शुरू, नायब वजीर अला आईपी अमजद बादशाह, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ, समाप्त करते हैं। मुल्क छोड़ने के बाद अशरफ गनी का आया अहम बयान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अशरफ गनी ने बैरून मुल्क जाने की वजह बताते हुए कहा कि काबुल में खूनी सैलाब रोकने के लिए अफगानिस्तान छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर मैं मुल्क में रहता, लातादात मुहिब वतन शहरी शहीद हो जाते और काबुल तबाह हो जाता, बड़ी इंसानी तबाही होती। अशरफ गनी ने कहा कि मैंने अफगानिस्तान के तहफ्फुज़ और देखभाल के लिए 20 साल वक्फ किए हैं, अपने प्यारे मुल्क को छोड़ने का मुश्किल फैसला किया है। अफगान व बरतानवी मीडिया के मुताबिक थोड़े देर कबल अहदे सदारत से मुस्तफ़ा होने वाले अफगान सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं और वो तजाकिस्तान पहुंच गए हैं। दिफाई जवाकुनो तरसंग पकलाका वलार दी पोसनी वजियत के दे अमनियती और दिफाई कुआओ बिया इंसिजाम स्मुगलुम लाई तोप दे और पदे हकला जिदी इकदामात तरलासलान दी। जंग खत्म हो चुकी, तालिबान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने अलजजीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग खत्म हो चुकी है, तालिबान तन्हाई का शिकार नहीं होना चाहता, अफगानिस्तान की नई हुकूमत के खुदखौल जल्द वाज़े हो जाएंगे, मुल्क व कौम की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और वो हमने हासिल कर ली। तालिबान के तर्जुमान बोले, उम्मीद है हिंदुस्तान अपना रुख बदलेगा, ये दोनों ममालिक के लिए अच्छा होगा। अफगानिस्तान में इक्तदार बदल गया है, काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान नई हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इस दरमियान तालिबान के तर्जुमान शाहीन सुहेल ने CNN न्यूज 18 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया है कि अफगानिस्तान में अग्नि हुकूमत कैसी होगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात भी मुस्तकबिल में बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि तंजीम को उम्मीद है कि हिंदुस्तान अपना मौकफ़ तब्दील करेगा और तालिबान की हिमायत करेगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के सदर इतवार को मुल्क छोड़ गए। तालिबान ने दारुल हुकूमत में अपने पांव पसार लिए हैं और शिद्दत पसंद ग्रुप के एक अहदेदार ने कहा कि वो जल्द ही काबुल में राष्ट्रपति भवन से इस्लामी अमारात ऑफ अफगानिस्तान बनाने का ऐलान करेगा। टू कंटिन्यू द फाइटिंग एंड दे बिलीव एंड नो द वेरासिटी ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान एज the freedom fighters of this country as the real son of this country, that is why they are joining us in hundreds. 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कड़पा पुलिस परेड ग्राउंड में रंगारंग तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वजीर तालीम व इंचार्ज वजीर कड़पा डॉक्टर ए सुरेश ने
तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने रियासत आंध्र प्रदेश में जारी तरक्याती कामों और फलाह इस्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली। के सुरेश ने कहा कि ज़िले कड़पा की गंगा जमनी तहजीब काबिल तारीफ है। यहाँ पर तमाम फिरकों के अफराद बाहम इतिहाद के साथ रहते हैं। उन्होंने इसे मिसाली करार दिया। इस प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर SB अमजद बाशा, जिला कलेक्टर कड़पा विजय रामा राजू, जिला SP KK अनुपराजन के अलावा जिले के तमाम आला अहदेदारों ने शिरकत की। मन 75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం। మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ, పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాదులతో పాటు ఎందరో అమరవీరులు చేసిన ఎనలేని త్యాగాల ఫలితంగా మన దేశానికి స్వాతంత్రం లభించింది। ఈ సందర్భంగా ఆ మహనీయులను స్మరిస్తూ వారందరికీ ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తున్నాను। భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగిన మన దేశానికి ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించిన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ను ఈ సందర్భంగా స్మరించుకుందాం। దేశ ప్రగతి కోసం నిరంతరం పాటుపడిన మహనీయుల త్యాగాలు మనకు స్ఫూర్తిదాయకం। మనం కూడా వారి ఆశయాలను లక్ష్య तालीम के हुसूल में गरीबी रुकावट नहीं बनना चाहिए। रियासत भर में आज से स्कूल शुरू। नायब वजीर आला IP अमजद बाशा, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अमजद बाशा ने आज कड़पा के चंबू मियांपेट में वाके गवर्नमेंट हाई स्कूल में मना बड़ी नाडू नीडू प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जगन अन्ना विद्या कानुका का भी आगाज किया। अमजद बाशा ने कहा कि हुकूमत तालीमी शोबे को काफ़ी अहमियत देता है, इसीलिए नाडू नीडू प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसका मकसद गवर्नमेंट स्कूल की मौजूदा हालात को आला पैमाने पर पहुंचाना है। उन्होंने इस प्रोग्राम में बच्चों को तालीमी किट तकसीम की। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर विजय रामा राजू के अलावा मेयर कड़पा सुरेश बाबू, ज्वाइंट कलेक्टर साईकांत वर्मा, कड़पा सब कलेक्टर पृथ्वी तेज और दूसरे तालीमी अहदेदार ने शिरकत की। मतालतीत वर्गल अतीत निन्ने मन एंत घन निर्वे जी मर इवा मन राष्ट्रे विद्यार्थिनी विद्यार्थुक अंदर यह पड़ग एंकू गत स्कूल चूड़ा जी ये विधा स्कूल उन्यो మరి ఇవాళ నేడు వాళ్ళ స్కూల్ ఏ విధంగా అభివృద్ధి వైపుకు అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకొని మరి ఇవాళ మీ ముందు ఉందో మీ అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే। ఎందుకంటే ఇదే స్కూలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెంబుమియాపేట స్కూలే అనేక సందర్భాల్లో గత 5 ఏళ్ళు కూడా నేను శాసనసభ్యుడిగా ఈ స్కూల్కు సందర్శించడం జరిగింది। మరి ఈ స్కూల్ పరిస్థితి చూస్తే చాలా దారుణమైన పరిస్థితి। మరి ఆ స్థితి నుంచి మరి ఇవాల ఈ ఉన్నత స్థితిలో మనం ఈ రోజు ఈ స్కూల్ చూడడం జరుగుతుందంటే మరి మన నాజరీన్ ये थे अब तक के ताजा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाजत। खुदा हाफिज।